अभी हम बात करेंगे ह्यूमरस की साइड टर्मिनेशन के बारे में। ये हमारे पास एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसमें एक हमारे पास अपर एंड होता है, वन लोअर एंड एंड इंटरवेलिंग शाफ्ट। अपर एंड में वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्लोबुलर हेमिस्फेरिकल हेड है, जो कि हमारे पास अपवर्ड, मिडली और बैकवर्ड डायरेक्ट होता है, जबकि एक इसके फॉरवर्ड हमारे पास एक बोनी प्रोमिनेंस है जिसे हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। अगर हम लोअर एंड की बात करें तो ये हमारे पास साइड बाय साइड एक्सपेंडेड होता है और बिफोर और बैकवर्ड फ्लैटन होता है। सो इट इज़ अ ह्यूमरस ऑफ लेफ्ट साइड और इसको हम लेफ्ट हैंड में ही पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम बात करेंगे बोनी फीचर्स ऑफ द ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसमें हमारे पास एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है और एक इंटरवेलिंग शाफ्ट है। अपर एंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय ग्लोबुलर हेड, जो कि वन थर्ड ऑफ अ स्फीयर है। इट इज़ कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, दैट इज हायलाइन कार्टिलेज, और ये हमारे पास आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ। हेड ऑफ द ह्यूमरस हमारे पास आर्टिकुलेट करता है, ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी है ह्यूमरस सॉरी स्कैपुला की, उसके साथ ये ऐसे आर्टिकुलेशन होती है इनकी, और ये हमारे पास से शोल्डर जॉइंट बनाता है। द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, इट इज़ शैलो, ये शैलो है और ये हमारे पास हमें हेल्प करती है लॉन्ग रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस के बोनी फीचर्स के बारे में। दे वी हैव थ्री टाइप ऑफ नेक्स इन अपर एंड। वन एनाटॉमिकल नेक, ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पे जस्ट बिलो द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। जबकि ये हमारे पास जो ये जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्टेड एरिया बिटवीन द अपर एंड एंड शाफ्ट, इट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। एंड इट इज़ देर, यहाँ पे हमारे पास जो सर्जिकल नेक के अराउंड हमारे पास बाउंड होती है, सर्जिकल नेक के अराउंड हमारे पास एक्सिलरी नर्व राउंड करती है, और अगर एक्सिलरी अगर डैमेज हो जाए ये हमारे पास जो है वल्नरेबल पार्ट है हमारे पास ह्यूमरस का। अगर यहाँ पे ये सर्जिकल नेक जो है हमारे पास अगर डैमेज हो जाए या यहाँ से ह्यूमरस टूट जाए तो हमारे पास जो सॉरी एक्सिलरी नर्व को हमारे पास जो डैमेज होगा, जिसकी वजह से डेल्टॉइड मसल हमारा पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि एक्सिलरी नर्व हमारे पास डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रही होती है। देन वी हैव टू बोनी प्रोमिनेंस ऑन अपर पार्ट। वन इज लेसर ट्यूबरकल एंड वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दे आर आल्सो नोन एज लेसर ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। एंड बिटवीन दीज टू ट्यूबरोसिटीज देर इज अ ग्रूव, दैट इज दिस इज दैट वन ग्रूव, इट इज कॉल्ड बाइस्पिटल ग्रूव, एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट दैट फॉर्म्स अ ब्रिज। द लेसर ट्यूबरोसिटी प्रोवाइड अटैचमेंट टू सब स्कैपुलरिस मसल, वाइल थ्री मसल्स आर अटैच्ड ऑन द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, दैट इज वन इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरियस माइनर, एंड दीज फोर मसल्स आर नोन एज रोटेटर कफ मसल्स। एज इट इज़ अ टिपिकल लॉन्ग बोन, सो द शाफ्ट विल हैव थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस। द फर्स्ट इज इंटीरियर बॉर्डर, दैट वन इज इंटीरियर बॉर्डर, देन वी हैव अ मीडियल बॉर्डर, अ लेटरल बॉर्डर एंड वी हैव थ्री सरफेसेस। एंट्रो लेटरल सरफेस दैट इज प्रेजेंट सॉरी एंट्रो मीडियल सरफेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, एंट्रो लेटरल सरफेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, एंड पोस्टीरियर सरफेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। देर इज अ रफ स्ट्रिप बिटवीन समवेयर इन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर दैट गिव्स अटैचमेंट टू क्रोकर बिकैलस,
एंड इन बिटवीन समवेयर इन द मिडल ऑफ एंटरोलेटरल सरफेस देयर इज अ रफ स्ट्रिप वी शेप रफ स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी दिस इज दैट रफ ऑन वन स्ट्रिप दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड गिव अटैचमेंट टू द डेल्टॉइड मसल एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्टीरियर सरफेस and there is a groove spiral groove in posterior surface through which radial nerve and the profunda brachii vessels pass this is spiral groove that is also known as radial groove now we will talk about the lower end in lower end there are two we will talk about the articular and non-articular parts the articular parts are capitulum this one is capitulum and trochlea this is trochlea and non-articular parts are radial three fossas and two epicondyles first one this is radial fossa this is coronoid fossa and this is olecranon fossa and lateral epicondyle and medial epicondyle the capitulum and trochlea are covered by articular cartilages capitulum give articulate with head of the radius while trochlea which is a asymmetrical pulley and it gives it articulates with trochlear knot of ulna radial fossa lodges with anterior part of the head of the radius and coronoid process lodges with coronoid process of ulna while olecranon process lodges with olecranon fossa this is lodges with olecranon process of ulna we will talk about the attachments of the humerus first we will talk about attachment of the upper end the head will give attachment with will articulate with glenoid cavity and the lesser tubercle will give attachment to subscapularis muscle while greater tubercle give attachment to three muscles supraspinatus infraspinatus and teres minor and when we will talk about bicipital groove it has a lateral lip this is a medial lip and the lateral one and a floor it gives attachment to three muscles the lateral lip give attachment to medial lip the medial lip give attachment to teres major muscle while the lateral lip give attachment to pectoralis major muscle and the floor will give attachment to latissimus dorsi a tendon will pass through this groove that is long head of bicep brachii muscle along with its synovial sheath there is a mnemonic to remember the attachment of the bicipital groove lady between two majors the two majors are teres major and pectoralis major while the lady corresponds to latissimus dorsi muscle we will come to the attachment on the medial surface and medial border of the humerus there is a roughened strip in middle of the medial border and give attachment to crecobrachialis muscle while the deltoid tuberosity give attachment to deltoid muscle and the posterior surface give attachment to tricep muscle brachialis muscle is also attached on the shaft of the humerus it is attached on the lower half of the shaft anteromedial surface interior border and anterolateral surface these three regions provide attachment to brachialis muscle in lower end we have two ridges lateral supracondylar ridge and medial supracondylar ridge the lateral supracondylar ridge give attachment to a muscular septum that separates the posterior anterior and posterior compartment of arm and
attachment to the medial supraconyl, which also give attachment to a muscular septum that also separates the anterior and posterior compartment of arm. The medial muscular septum is passed by ulnar nerve, while the lateral muscular septum is passed by the radial nerve. There is a muscle that is attached on the lateral supracondylar, which that is brachioradialis muscle. While the lateral epicondyle give attachment to anconius, lateral epicondyle also give attachment to the extensors, common extensors of forearm. So it is also known as the common extensor region. While the medial epicondyle give attachment to the flexors of forearm, so it is also known as the common flexor region. And this was all about human.